तो हेलो एंड हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है सूर्य टेक। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, अपने फोटो से वीडियो कैसे बना सकते हो अभी एनिमेशन जैसा। जैसा कि फर्स्ट में आप देख ही चुके होंगे फ्रेंड्स, मेरा कितना बढ़िया था वीडियो मेरा। तो फ्रेंड्स आप उसमें सॉन्ग भी लगा सकते हो। चलिए फ्रेंड्स मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है काइन मास्टर। या दोस्तों काइन मास्टर की मदद से आप वो एडिटिंग कर सकते हो वीडियो वाला। तो फ्रेंड्स काइन मास्टर को आप डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से जल्दी। फ्रेंड्स मैं इसको ओपन करता हूँ। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस वाला आइकन, प्लस वाला आइकन पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको 16:9 चूज कर लेना। अब फ्रेंड्स कुछ इस तरह का खुल जाएगा आपको, इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मीडिया, मीडिया पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है, देखो साइड में दिख रहा है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड चूज कर लेना है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड ले लेना है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेव कर देना है साइड में। इसको पे क्लिक करके आपको इसको बढ़ा लेना है टाइमिंग इसका। अब फिर सेव कर देना है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसी पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे साइड में कलर दिख रहा होगा, कलर पे क्लिक करके उसको ब्लू कर लीजिए और आपको सेव कर दीजिए। ये फ्रेंड्स ब्लू कलर का हो चुका है, आप इसको सेव कर लीजिए। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लेयर दिख रहा होगा ना, लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे जाना है। और फ्रेंड्स आपको जो फोटो से एडिट करना चाहते हैं वीडियो, आप अपना फ़ोटो चूज कर लीजिए। मैं अपना फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स आपको ये पूरा बैकग्राउंड जितना फैला उतना फैला सकते हैं, पूरा फैला लीजिए। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सही वाले पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स ये फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे आना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रॉपिंग, क्रॉपिंग के क्लिक करना है। और फ्रेंड्स आपको मास्क दिख रहा होगा, इसको इनेबल कर देना है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेव, सेव पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिल, दिल को चूज कर लेना है और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, देखिए कुछ ऐसे। आपको यहाँ पे सही पे क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, देखिए। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे साइड में देखा थ्री डॉट, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसका डुप्लीकेट फर्स्ट में दिख रहा होगा, डुप्लीकेट कर लेना है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ से खींचिएगा तो डुप्लीकेट इसका निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसको आपको छोटा कर लेना है और इसको बड़ा रखना है आपको कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओवरऑल एनिमेशन, इस पर क्लिक करना है। आपको स्क्रॉल के नीचे आना है, आपको दिख रहा होगा रिंग, रिंग पे क्लिक करना है और देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सपोर्ट करने के लिए तीर वाला आइकन, उस पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। अरे फ्रेंड्स ये वीडियो पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स एक्सपोर्ट होना चालू हो चुका है, एक्सपोर्ट चालू हो रहा है मेरा। अरे फ्रेंड्स एक्सपोर्ट हो जाएगा तो मैं इसको एनिमेशन चालू करूँगा बनाने। तो फ्रेंड्स वो वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस वाला आइकन, फिर से आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और फिर से आपको 16:9 ले लेना है। अब फिर से आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है। तो फ्रेंड्स आपको सेव कर लेना है बैकग्राउंड लेने के बाद। फ्रेंड्स आपको इसको बढ़ा देना है इसको इस तरह से। और फ्रेंड्स आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स फर्स्ट में जाना है आपको, उसके बाद फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेयर, लेयर पे क्लिक करना है, फिर आपको मीडिया पे जाना है, मीडिया पे जाना है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगा, वहीं से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स इस पर क्लिक करके आपको इसको पूरा बड़ा कर लेना है। फ्रेंड्स हो गया। अब फ्रेंड्स आपको लेयर पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स आपको मीडिया में चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद फ्रेंड्स आप जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उस वक्त उसको चूज कर लेना है यहाँ से, देखिए जैसा कि चूज हो चुका है यहाँ पे। और फ्रेंड्स आपको नीचे स्क्रॉल करके आना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रोमा की, क्रोमा की को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इसको इनेबल कर देना है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 50-50 दोनों को कर देना है, दोनों 50 रहना चाहिए। और फ्रेंड्स ये देखिए हो चुका है। आप इसको उठा के यहाँ पे ला जाइए, यहाँ पे सही है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आपको इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसको साइड में लेके आ जाना है, तो छोटा कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस पे क्लिक करना है फोटो वाले पे, और उसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद आपको यहाँ पे साइड में लेके आना है, आपको यहाँ पे चाबी वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसको लेके जाना है इसको, और इसको बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से। सर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ले जाना है आपको, तो इसको छोटा रखना है इसको, फिर उसके बाद इस पर ले जाना है, इसको बड़ा कर देना है कुछ इस तरह से, और फिर इसको सही वाले पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स ये हो चुका है, अब फिर आपको यहाँ पे लेयर वाले पे क्लिक करना है। लेयर वाले पे फिर क्लिक करके आपको मीडिया में जाना है, फिर वही वीडियो लेना है जो अभी थोड़ी देर पहले एक्सपोर्ट किए थे वही वाला। फ्रेंड्स मैं वही चूज कर लेता हूँ फिर से। उसके बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है क्रोमा की, क्रोमा की पे इनेबल कर देना क्रोमा की को, और फ्रेंड्स आपको 50 कर देना है। उसके बाद फिर आपको सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको इसी पे आपको रख देना है, ऐसे सेट कर लेते हैं, एडजस्ट करना है इसको कुछ इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है, आपको चाबी वाले पे क्लिक करना है, इसको आगे बढ़ा करके चाबी वाले पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। उसके बाद फिर इसको उठा के दोस्तों तो यहाँ पे कर देना है कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, फ्रेंड्स आपको इसको और नीचे थोड़ा सा कर देना है। उसके बाद फिर आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आपको, और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेयर, लेयर पे क्लिक करना है, आपको मीडिया पे चले जाना है। फ्रेंड्स आपको कोई भी फ़ोटो ले लेना है, जैसे मैं फ्रेंड्स ये फ़ोटो ले लेता हूँ। लेने के बाद उसके बाद ले लेने के बाद फ्रेंड्स आपको इसको पूरा वीडियो में फैला देना है यहाँ तक। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे चूज नीचे आना है, आपको क्रॉपिंग पे क्लिक करना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद मास्क को इनेबल करना है, और सेव पे जाना है। सेव पे जाने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का सेव ले लेना है, और फ्रेंड्स आपको सही पे सेव कर देना है। फ्रेंड्स आपको फिर फर्स्ट में आ जाना है, फर्स्ट में आने के बाद इसको चूज कर लेना है, और फ्रेंड्स आपको चाबी इसको नीचे कर लेना है। आपको यहाँ पर चाबी वाला दिख रहा होगा आइकन, फिर से चाबी वाला आइकन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स इसको वीडियो को आगे बढ़ा लेना है, और फ्रेंड्स इसको ऊपर कर देना है, देखो फ्रेंड्स कुछ ऐसे ओपन ऊपर ऊपर बढ़ा देना है। फ्रेंड्स आपको सेव कर लेना है। और फ्रेंड्स और ये वीडियो में आप सॉन्ग लगाना चाहते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑडियो, ऑडियो पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स आपको चूज कर लेना है एक सॉन्ग, तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे आपको जितना मोबाइल में आपका सॉन्ग है पूरा आ जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड्स आपको एक सॉन्ग चूज कर लेना। जैसे फ्रेंड्स मैं ये सॉन्ग चूज कर लेता हूँ। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे उठ के आ जाएगा यहाँ पे आपका सॉन्ग, आपको यहाँ पे सेव कर देना है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको प्ले करके वीडियो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन चुका है, देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरा इस तरह का वीडियो बन चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर